विश्वेश्वरया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आज दीक्षांत समारोह में कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री प्रो चांसलर डॉक्टर अक्षय नारायण जी, इंफोसिस के को फाउंडर एक्सलर वेंजर्स के चेयरमैन सेनापति गोपाल कृष्ण जी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की प्रोफेसर रोहिणी गोडेबोला जी, इस संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर करी सिद्धपा जी, समृद्ध कॉलेज के रजिस्ट्रार निदेशक प्रिंसिपल डीन संकाय सदस्यगण, अतिथि भाइयों बहनों और लोकसभा में हमारी सांसद श्रीमती मंगला सुरेश अंगाड़ी जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बेलगांव के इस ऐतिहासिक 21वें दीक्षांत समारोह में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसका नाम भारत रत्न और फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर एम विश्वेश्वरैया जी के नाम से रखा गया है, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद इस देश के नवनिर्माण में, इसके आर्थिक परिवर्तन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक व्यापक योगदान दिया और इसलिए उनको पूरे देश के अंदर हम फादर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप से और उस दिन उनका इंजीनियरिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये विश्वविद्यालय का एक कैंपस जो ज्ञान का संगम है, जिस तपोभूमि पर यह है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का आतिथ्य हम सबको निश्चित अभिभूत करता है। मैं विशेष रूप से उन सभी डिग्री होल्डर विद्यार्थियों को जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, एक नहीं कई गोल्ड मेडल मिले, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ये दिन आज उनके लिए अस्मरणीय दिन है, जब उन्होंने इस डिग्री को प्राप्त किया, उपाधि को प्राप्त किया, और आज से वह जिंदगी के नए पड़ाव पर है। उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण, आत्मविश्वास, अनुशासन, लगन से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और हजारों विद्यार्थियों को आज डिग्री मिली है। उन सभी को मैं, जो मेरे यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन वर्चुअल रूप से सब जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के सभी प्रोफेसर, इनके सबके मार्गदर्शक,
इनके फैकल्टीज के मेंबर्स, इनके अभिभावक, उन सब के लिए भी गर्व का विषय है कि आज उनके पढ़ाए विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला है, उपाधि मिली है। ये विशेष रूप से गुरु के लिए भी बड़ा अस्मरणीय दिन होता है जब अपने विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल उपाधि मिलती है। तो आज हम सब जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये अध्याय हमारे जीवन में नई दिशा देगा, नए कुछ करने के लिए प्रेरणा देगा और आज के बाद हमको ही अपनी जो शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर जीवन की दिशा तय करनी है। अभी तक एक मार्गदर्शक के रूप में, प्रोफेसर के, एक फैकल्टीज के अंतर्गत आपने शिक्षा, अनुभव, ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन आपने जो शिक्षा प्राप्त की, नैतिक चरित्र व्यास से प्राप्त किया, जो ज्ञान अनुभव प्राप्त किया, वह अब आपको देश और राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। यूट्यूब के मेरे सभी ऊर्जावान विद्यार्थियों, आपके मन में एक नई उमंग है, नया उत्साह है, और इस नई उमंग उत्साह के अंदर हम एमिशन से, पूरे महत्वाकांक्षा से, पूरे उत्साह से नए इनोवेशन और डेडिकेशन के साथ हमें जिंदगी की राह तय करनी है। ये तीन मंत्र हमारे जीवन में हुए तो कभी निराश न होंगे, कभी थकेंगे नहीं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ नई करने का, इनोवेशन करने का, नए रिसर्च करने का मन में विचार जागृत होते रहना चाहिए। हमेशा मन में बात रहनी चाहिए कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुझे बनना है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल ए जी कलाम जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला है, और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला है। इस विश्वविद्यालय का एक अलग इतिहास है। जब मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण मिला तो मैं भी गौरवान्वित हुआ और मैं बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पर आया, और मैंने देखा किस डेडिकेशन के साथ यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय और इससे एफिलेटेड कॉलेजों के प्रति किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 219 एफिलेटेड कॉलेज और 22 वर्षों की इस यात्रा में इसने अपने नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले से यहाँ पर आपने 4 वर्षीय बीएससी ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया है, और उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति के अनुरूप आपने बी के अंदर कन्नड़ भाषा, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसके साथ भी आपने जोड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को और यहाँ की सरकार को, जिन्होंने SIT में पिछले वर्ष इंजीनियरिंग क्लास में भी
क्षेत्रीय भाषा के अंदर विद्यार्थी पढ़े ताकि वह ज्यादा सरल सुगमता से अपनी भाषा को ठीक से समझकर और अत्यधिक लर्निंग ज्ञान प्राप्त करके अपने आउटकम को बढ़ाएं। मेरे युवा साथियों, पिछले दो वर्ष हमारे कोरोना के समय निकले और उस समय हम कैंपस में अपनी शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन इस दो वर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने किस तरीके से भारत को नए डिजिटल युग की ओर ले गए हैं कि कॉलेजों में नहीं, स्कूल के अंदर भी हमारे प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों ने भी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की है और आज भारत के अंदर डिजिटल शिक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। मैं जानता हूं कि डिजिटल शिक्षा के अंदर बहुत चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के बाद भी हम डिजिटल शिक्षा के माध्यम से देश और दुनिया की सारी शिक्षाएं, सारे रिसर्च, सारे इनोवेशन, बदलती दुनिया के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, ये सब हम अगर त्वरित गति से प्राप्त कर सकते हैं तो वह डिजिटल शिक्षा से ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे डिजिटल शिक्षा के अंदर भी ये प्रदेश अपने आप में पूरे विश्व के अंदर एक कीर्तिमान वाला प्रदेश है, जहां दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर या तकनीकी क्षेत्र के अंदर या विज्ञान के सेक्टर के अंदर या अन्य प्रोफेशन के देखो तो कर्नाटक वह धरती है जहां दुनिया भर में हमारे विद्यार्थी वहां पर डिजिटल आईटी सूचना प्रौद्योगिकी सभी सूचना तंत्रों को उस देश में नए इनोवेशन करकर उस देश की नए प्रगति के अंदर यहाँ के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इसीलिए कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंदर भारत दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ देश है। हमारी टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारे नौजवान विद्यार्थियों का टेक्नोलॉजी और विज्ञान के अंदर सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और हमने देखा किस तरीके से कोरोना के समय जब सारी दुनिया को वैक्सीनेशन की जरूरत थी तो भारत ने अपना वैक्सीनेशन बनाकर रिसर्च की दुनिया में एक नाम स्थापित किया। और यही कारण है कि आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में चले जाएं, अच्छे और सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, चाहे आईटी का नौजवान हो, जितने भी उस दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी जो अच्छे और सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल हैं वो भारत के हैं, भारत के नौजवान हैं। ये हमारी बौद्धिक क्षमता की ताकत है। इसलिए हम दुनिया के अंदर कहते हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और उस विश्व गुरु बनाने में हमारी ताकत है। तो आप जैसे नौजवानों के कारण हम विश्व गुरु रहेंगे, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता अभूतपूर्व है। साथियों, ये हमने करके दिखाया है, चाहे गूगल ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, चाहे ट्विटर ले लो,
उन सबके सीओ भारत का नौजवान है। यह हमारी ताकत है कि दुनिया के अंदर सूचना तंत्र पर जिनको सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उन सब सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा भारत के सीओ हैं और भारत के काम करने वाले नौजवान हैं। हमने पिछले वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जो नए इनोवेशन करते रहते हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता में सुगमता सरलता पहुंचे, टेक्नोलॉजी को उन्होंने एक नया बदलाव नई दिशा दिए, अपने शासन के अंदर गांव तक भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे, इसके लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाकर काम किया है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दूर दराज के गांव में बैठे जो अविकसित गांव हैं, वहां भी टेक्नोलॉजी पहुंचाकर उस नौजवान को नए इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी से काम नई शिक्षा पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। हर गांव के अंदर मोबाइल इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, इसके लिए व्यापक काम किया है। और मैं अब देखता हूं कि दुनिया के कई देशों में जब जाता हूं, जब वहां कुछ लोगों से मिलता हूं, नौजवानों से मिलता हूं, तो उस देश के अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले कोई स्टार्टअप हैं तो भारत के नौजवान हैं। और इसीलिए 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे नौजवानों ने, आप जब कॉलेज से निकलोगे तो रोजगार प्राप्त नहीं करोगे, आप रोजगार देने का काम करोगे। आपके मन में नया इनोवेशन नया करने का सोच नया आत्मविश्वास है कि मुझे दुनिया के अंदर नया इनोवेशन करके भारत को सबसे प्रगति के पथ पर ले जाना है, सबसे तेजी से आगे भारत को ले जाना है। और इसीलिए 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप और 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न, ये हमारे भारत के नौजवानों की ताकत है और जिसके कारण हमने देश और दुनिया के अंदर लोगों की जिंदगी को सुगम सरलता बनाने का काम किया है। और इतनी जल्दी भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन और प्रशासन में पारदर्शिता है, लोगों के जीवन सुगम सरल बने, उसके अंदर एक व्यापक परिवर्तन आप सब लोग देख रहे होंगे। हमारी जिम्मेदारी और है, हमें इस देश के अंदर भारत को सबसे ऊंचाइयों पर ले जाना है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उस तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के मेरे नौजवानों का है। और इसलिए हमें नए क्षेत्रों के अंदर, जो क्षेत्र हमारे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले हैं, जो सेक्टर हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले हैं, उसमें भी एक रेवोल्यूशन लाना, एक परिवर्तन लाना है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, यह हमारी नई जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, हमने फर्टिलाइजर के कई नैनो फर्टिलाइजर कई विकल्प ढूंढे, लेकिन आप लोगों के और जिम्मेदारी है कि हम हमारी भूमि की उर्वरता को बना रखें और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नया इनोवेशन करके हमारे किसान भाइयों को और आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। जलवायु संरक्षण के अंदर भारत तेजी से काम कर रहा है, प्रदूषण नियंत्रण के अंदर भी हमारे नौजवानों ने नए इनोवेशन किए हैं।
ऐसे कई नवाचारों के माध्यम से हमें इस देश को आगे ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आपके पास समाधान भी है, और इसीलिए आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके नया काम करने का इनोवेशन, नया आत्मविश्वास इन चुनौतियों से लड़ेगा भी से, चुनौतियों का समाधान भी करेगा। और इसीलिए जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, उन सब का उपयोग करके हम हर सेक्टर के अंदर, चाहे मेडिकल चले जाएं तो मेडिकल सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से किस तरीके से चिकित्सा क्षेत्र में नया व्यापक परिवर्तन आया है, एजुकेशन सेक्टर में नया परिवर्तन आया है, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, इन सब सेक्टरों के अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो आप सब नौजवानों की विशेष रूप से जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि हम ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब आज़ादी की शताब्दी वर्ष हो तो हम इन संकल्पों को पूरा करें, दुनिया के अंदर हर क्षेत्र के अंदर हमारे भारत के नौजवानों के कारण दुनिया में सबसे आगे भारत देश हो, हर क्षेत्र में आगे हो, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, और आपको और आपके आने वाले नौजवान पीढ़ी को इस संकल्प के साथ और संकल्प के सिद्धि के साथ कि अब आने वाले शताब्दी वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर भारत हर सेक्टर में आगे होगा, और ये जिम्मेदारी हम सब नौजवानों की है, यही हमारा संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है। मुझे आशा है आप इसी सपनों को लेकर, इसी आत्मविश्वास के साथ आज यहाँ से जाएंगे। आज से आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होगी, और इस देश के कल्याण में आपका योगदान होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर आपका विश्वास व्यक्त करते हुए किस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए, उनके जनप्रतिनिधियों को अपने अमूल्य सुझाव देकर किस तरीके से सरकारों को भी हम नई दिशा देने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।